सुपर पावर के लाइन में सबसे आगे है चीन। चीन के आविष्कारों ने दिलाई नंबर वन की कुर्सी। चीन की सनक है चीन की सफलता का राज। दुनिया में हमेशा आगे रहने की होड़ में रहा है चीन। बात तकनीकी की हो, सेना की हो या फिर अर्थव्यवस्था की, चीन की एक ही सनक रही है, हमेशा नंबर वन रहना। उस होड़ में वो ऐसे काम करता है जो शायद पूरी दुनिया की सोच से ही परे होता है, लेकिन कभी कभी उसके आविष्कार दुनिया को डरा भी देते हैं कि कहीं चीन विश्व की ये काबिलियत महाशक्ति बनकर उन पर राज न कर बैठे। आज हम बात करेंगे चीन के उन 5 आविष्कारों की जो उसे दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। इन आविष्कारों से ये साबित होता है कि नंबर वन बनने की सनक ही सब कुछ करा सकती है। टोकामक बना चीन का नकली सूरज। 2040 तक नकली सूरज से मिलेगी बिजली। चीन के महान आविष्कारों में जो सबसे पहले आता है वो है नकली सूरज। चीन के इस कृत्रिम सूरज ने नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। चीन के हेफेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेस ने एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक में ये सुपर मशीन तैयार की है। इससे हैवी हाइड्रोजन की मदद से हीलियम पैदा किया जाता है। इससे अपार ऊर्जा पैदा होती है जिससे 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। चीन के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के जरिए इंसान को गर्मी और प्रकाश मिलेगा, जिस तरह से हमें सूरज से मिलती है। कुदरत के सूरज से हमें रोशनी मिलती है, वो बेहद ताकतवर है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि चीन का ये नकली सूरज असली सूर्य के मुकाबले 5 गुना ताकतवर है। चीन के इस कृत्रिम सूरज से 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकलती है। ये अब तक का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है जिससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इससे पहले चीन के इस नकली सूरज से 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकली थी। इस नकली सूरज से निकली अपार ऊर्जा से दुनिया टेंशन में आ गई थी। इस कृत्रिम सूर्य को बनाने में 10,000 चीनी और विदेशी वैज्ञानिक ने एक साथ काम किया था। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2040 तक इस कृत्रिम सूर्य से बिजली पैदा की जा सकेगी। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कृत्रिम सूरज को बनाने में सरकार पानी की तरह पैसा बहा चुकी है। टोकामक यानी नकली सूरज एक इंस्टॉलेशन है जो प्लाज्मा में हाइड्रोजन आइसोटोप को उबालने के लिए उच्च तापमान का इस्तेमाल करता है। ये एनर्जी को रिलीज करने में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके सफल इस्तेमाल से बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल होता है और लगभग 0 रेडियो एक्टिव कचरा पैदा होगा। चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया नकली चांद। नकली चांद पर है 0 ग्रेविटी। चीन के आविष्कारों की बात की जाती है तो ये सोचा जाता है कि चीन वो करेगा जो शायद अभी किसी व्यक्ति विशेष के ख्यालों में ये बात आई होगी, लेकिन चीन उससे 10 कदम आगे चलकर वो काल्पनिक काम को हकीकत में बदल देता है। चीन ने जब नकली सूरज बनाया तो उसकी शक्ति देखकर पूरी दुनिया डर गई थी। अब चीन ने नकली सूरज के बाद नकली चांद लाकर दुनिया को और हैरत में डाल दिया है। चीन के बनाए ये नकली चांद 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस आविष्कार को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से चीन हर साल $17.3 करोड़ बिजली की बचत कर सकेगा। ये नकली चांद असली चांद की तरह ही 0 ग्रेविटी वाला है। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के जियोटेक्निकल इंजीनियर ली रुईलिन के मुताबिक साल 2022 के अंत तक इस नकली चांद में शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति वाला वैक्यूम चैम्बर बना लेंगे जिसका व्यास 2 फीट होगा। इसके बाद इस चैम्बर को पत्थरों और धूल से भरकर चांद की तरह ही सतह बनाई जाएगी। सतह वाले एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद इस प्रयोग को चांद पर भेजा जाएगा। नकली चांद को बनाने के पीछे उनके कई मकसद हैं, जिसमें पहला है कि भविष्य में चुंबकीय शक्ति से चलने वाले यान तैयार करना और ट्रांसपोर्टेशन के नए साधन खोजना। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2029 तक चीन चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक इंसानी रिसर्च सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस नकली चांद की एक और खासियत यह होगी कि बड़ी से बड़ी आपदा में भी ये ब्लैकआउट नहीं होगा। भूकंप और बाढ़ में भी नकली चांद रोशनी देता रहेगा। ये चांद स्ट्रीट लाइट पर आने वाले खर्च से भी सस्ता होगा। इसके जरिए चीन चांद पर इंसानी बस्ती बनाने के नए तरीके खोजेगा ताकि बस्ती हवा में ना उड़े। चांद की सतह पर इंसान चलता नहीं, उड़ने लगता है, इसलिए कोई भी सेटलमेंट टिकाने के लिए ये ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट जरूरी है। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा MPBS विमान। जापान के शिन मायावा US-2 से बड़ा है चीन का विमान। आविष्कारों का महान देश कहलाने वाले चीन ने एक और उपलब्धि हासिल की है और वो है दुनिया का सबसे बड़ा MPBS विमान बनाने की। चीन की सरकारी कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने इस विमान को तैयार किया है। इस विमान का नाम AG-600 है और इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं।
परीक्षण के दौरान जब इसके चारों इंजन को एक साथ चलाया गया तो वो सफल साबित हुआ। 121 फीट लंबाई वाले इस AG-600 एम्फीबियस विमान के पंख 127 फीट चौड़े हैं। अपने आकार के मामले में ये विमान बोइंग 737 एयरलाइनर की बराबरी में है। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस विमान जापान के पास है, जिसे शिन मायावा US-2 के नाम से जाना जाता है। जैसे ही चीन का एम्फीबियस विमान सर्विस में शामिल होगा, ये जापान के विमान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस विमान बन जाएगा। इस विमान का इस्तेमाल फायर फाइटिंग, मरीन रेस्क्यू सहित कई तरह के मैरीटाइम रोल के लिए किया जा सकता है। AG-600 एम्फीबियस विमान को कुनलोंग नाम से पहचान मिलेगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने यह दावा किया है कि AG-600 विमान ने 100 घंटे की उड़ान पूरी कर ली है। इस उड़ान के बाद भारी मात्रा में फ्लाइट टेस्ट डेटा मिले हैं और इनके आधार पर इस विमान में और ज्यादा सुधार कर इसे बेहतर बनाया जा सकेगा। हालांकि इस विमान को अभी तक फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस नहीं मिला है। अभी इस विमान के कई तरह के परीक्षण होने बाकी हैं। इन परीक्षणों के ही चीन के इस पहले एम्फीबियस विमान को सर्विस में शामिल किया जाएगा। 53.5 टन का अधिकतम भार उठाने की क्षमता रखने वाला ये एम्फीबियस विमान एक बार में 4500 किलोमीटर की अधिकतम उड़ान भर सकता है। 4 WJ-6 टर्बोप्रॉप इंजनों के साथ तैयार किए गए इस विमान का ईवचेंको डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। चीन ने बनाई दुनिया की पहली ई नोज, पार्किंसंस रोग के निदान में मिलेगी मदद। चीन के जिनजियांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस यानी ई नोज बनाई है। ये दुनिया के पहले ऐसे कृत्रिम नाक है जो पार्किंसंस रोग के निदान में मददगार साबित होगी। बता दें कि इस रोग से दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं। पार्किंसंस का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका शुरुआती पहचान और निदान के माध्यम से है। ये तकनीक रसायनों को वाष्पीकरण के रूप में अलग करती है। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को एक सतह ध्वनिक तरंग सेंसर के साथ जोड़कर पार्किंसंस के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में सफलता हासिल की है। ये सेंसर ध्वनि तरंगों के साथ उनकी बातचीत के आधार पर गैस को मापता है। पार्किंसंस से पीड़ित लोग बाकी लोगों की तुलना में अधिक सीबम का स्राव करते हैं। ये वसमय ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक तैलीय और मोमी पदार्थ है। जब ये अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित होता है तो ये अनूठी गंध पैदा करता है। चीन में मिला दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म, 164 मिलियन साल पुरानी कली का है ये जीवाश्म। तकनीक ही नहीं बल्कि सबसे पुराने जीवाश्म के मामले में भी चीन पहले नंबर पर है। चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में 164 मिलियन साल पुरानी कली का जीवाश्म पाया गया था। इससे पहले वैज्ञानिकों की धारणा थी कि फूलों की उत्पत्ति जुरैसिक पीरियड यानी कि 145 मिलियन साल से 201 मिलियन साल पहले हुई। चीन में पाए गए कली के जीवाश्म की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। इसमें एक डंठल, पत्तियां और एक छोटी सी कली है। इस प्रजाति का नाम वैज्ञानिकों ने फ्लोरी जेमिनिस जुरासिका रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पौधा ज्वालामुखी के राख से बने पीले रंग के पत्थरों में संरक्षित था। पौधे के पत्ते तो ज्वालामुखी विस्फोट में तबाह हो गए, लेकिन पौधे की छाप हमेशा के लिए पत्थरों पर कैद हो गई। चीन में मिला धरती का सबसे बड़ा गड्ढा, 1 लाख साल पहले टकराया था विशाल का उल्का पिंड। इन सबके साथ ही एक बात और जो चीन को सबसे आगे लाकर खड़ा करती है, चीन के उत्तर पूर्व में स्थित चंद्रमा के आकार का एक इंपैक्ट क्रेटर धरती पर उल्का पिंड के गिरने से सबसे बड़ा गड्ढा बना है। बताया जा रहा है कि ये 1 लाख साल के अंदर बना दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है। वैज्ञानिकों ने जब क्रेटर की खुदाई करके मिट्टी की जांच की तो उन्होंने पाया कि इसका निर्माण हजारों साल पहले एक विशालकाय उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। खबरों के मुताबिक इस गड्ढे के नीचे एक झील हुआ करती थी, लेकिन अब वो दलदल बन चुकी है। इसके नीचे ग्रेनाइट पत्थरों की एक मोटी परत भी मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्का पिंड की धरती से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि परत कई हिस्सों में टूट गई और कई पत्थर पिघल गए। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने एक बयान में कहा कि 2020 से पहले तक चीन में खोजा गया एकमात्र इंपैक्ट क्रेटर जुवियान काउंटी में पाया गया था। फिर जुलाई 2021 में वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अंतरिक्ष से एक विशालकाय चट्टान के धरती पर टकराने से लेजर जिंगान पर्वत श्रृंखला में विशालकाय भूवैज्ञानिक संरचना का निर्माण हुआ है। यीलान क्रेटर 1.85 किलोमीटर लंबा है और इसकी गहराई 300 मीटर है। ये गड्ढा घने जंगलों से घिरा हुआ है। हजारों साल में इस क्रेटर का दक्षिणी हिस्सा गायब हो चुका है, लेकिन बाकी गड्ढा अभी भी सुरक्षित है।